देखिए, अब इसमें भी उसी तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है जिस तरह से ये है। अगर एक सबसे पहले मैं फॉर्मूले की अगर आपसे बात करूं तो मैं केवल इस फॉर्मूले को सेम जो ये फॉर्मूला है देखिएगा। फॉर्मूला बना सिग्मा सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए स्टेप क्या क्या हैं। स्टेप्स नंबर वन, अज्यूम मीन लेना है। अज्यूम मीन, ठीक है। अज्यूम मीन के बाद में हमें क्या करना है, डी एक्स कैलकुलेट करना है एक्स माइनस ए, जैसा कि हमारे पास एक्स ये है। क्लियर। नेक्स्ट, तीसरे फॉर्मूले तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो डी एक्स आया है इसको मल्टीप्लाई करना है एफ से, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे सिग्मा एफ डी एक्स, यानी कि जो हमारे पास एफ डी एक्स निकलेगा उसका हमने ये टोटल किया। टोटल करने के बाद हम इस फॉर्मूले को में सारी वैल्यूज पुट करेंगे और फॉर्मूला हमारे सामने है ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ। तो आइए देखते हैं हम इसको। तो सबसे पहले मुझे डी एक्स सॉरी सबसे पहले मुझे अज्यूम मीन लेना है। तो मुझे एक्स में से अज्यूम मीन निकालना है। देखिए चार सबसे छोटा 4 नंबर है और सबसे बड़ा 10 नंबर है। तो अगर इसके बीच की बात करूं तो मैं 7 नंबर कह सकता हूं। तो मैंने अज्यूम मीन कितना लिया है, 7। और इसी बेस पर मैं डी एक्स निकाल रहा हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि जो मेरे पास एक्स है उसमें से मैं 7 माइनस करता जाऊँगा, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए। तो देखिए 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस के 3, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, ये 0, ये +1, ये +2 और ये +3। तो आप देखेंगे कि हमारे पास डी एक्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप अज्यूम मीन हमने ले लिया, डी एक्स हमने निकाल लिया। अब हम मल्टीप्लीकेशन करके एफ डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ डी एक्स। देखिए 4 × 3 माइनस के 3 हैं, तो ये माइनस के 12 हो जाएंगे, ये माइनस के 3 हो जाएंगे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई +1 है तो +3, ये +6 और ये भी +6। और इसके इसी हिसाब से हमने हमारे स्टेप 3 कंप्लीट कर लिए हैं। चौथे स्टेप में हमें इनका टोटल करना है और उसे हम क्या नाम देंगे, सिग्मा एफ डी एक्स। तो टोटल करते हैं, प्लस के अलग टोटल करें माइनस के अलग टोटल करते हैं। तो हमें पता चलेगा कि माइनस के हमारे पास 15 है और प्लस के अभी हमारे पास 15 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो एफ डी एक्स का टोटल है वो आ गया है 0। तो देखिए इनडायरेक्ट में मेथड थोड़ा लंबा होता है, लेकिन कैलकुलेशन बेस पर बात करें तो थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं या शॉर्टकट मेथड कहते हैं। तो अगर हम अब फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं और इस वैल्यू के अंदर सॉरी इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करता हूं। तो देखिए अज्यूम मीन हमने लिया 7, प्लस का साइन ये हमारे पास 0 है और सिग्मा एफ या एन की वैल्यू 20 है। तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड में भी अभी हमने निकाला तो उसमें भी इसका एवरेज 7 आया, और यहाँ पर भी हम निकालते हैं तो इसका एवरेज कितना आता है, एक्स बार इज इक्वल टू 7 मार्क्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आएगा या जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो सेम प्राप्त होगी, तभी हम मानेंगे कि हमारे द्वारा की गई कैलकुलेशन सही है। तो आई थिंक मैं समझ सकता हूँ कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के दोनों फॉर्मूले और इनको सॉल्व करने के जो स्टेप हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूस सीरीज की बात करेंगे। धन्यवाद।